जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, अभी हम चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा के सेलों के संयोजन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सेलों के बारे में आपको पता होगा कि सेल का संकेत प्लस माइनस उच्च विभव निम्न विभव, ई सेल का विद्युत वाहक बल, आर उस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, और ये सेल के जो सिरे हैं जिन्हें टर्मिनल कहा जाता है, इन टर्मिनलों के मध्य जो टर्मिनल वोल्टता होती है एक व दो टर्मिनल के मध्य, उसका सूत्र ईवीआर संबंध, ईवी और आर संबंध ई इक्वल टू वी प्लस आईआर होता है। इससे अगर हम वी निकालेंगे तो वी इक्वल टू ई माइनस आईआर होगा। ये इस सेल के सिरों के मध्य टर्मिनल वोल्टता है। अब हम दो सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। सूत्रानुसार दो सेल ई वन और ई टू जिनके विद्युत वाहक बल है, जिनके आंतरिक प्रतिरोध क्रमशः आर वन आर टू है, इन्हें दो सिरों ए व सी के मध्य श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध आर के साथ जोड़ा गया है। इस संयोजन में धारा का मान समान रहता है, जैसा कि आई इसमें बहने वाली एक समान धारा आपको दर्शाई गई है, तथा इन दोनों सेलों का तुल्य विद्युत वाहक बल ई इक्विवेलेंट, जिसे हम तुल्य कहते हैं, ई इक्विवेलेंट तथा तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आर इक्विवेलेंट है। यहां हमें तुल्य विभव, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध एवं तुल्य धारा की गणना करनी है। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि हर सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता अलग अलग होती है। श्रेणी क्रम संयोजन में सभी एक लाइन में होने से धारा समान रहती है, जबकि टर्मिनल वोल्टता या विभवांतर प्रत्येक के सिरों पर अलग अलग होता है। पहले हम प्रथम सेल पर, फिर दूसरे सेल पर, और फिर इनके तुल्य सेल पर। तो सर्वप्रथम हमें पता है सूत्र टर्मिनल वोल्टता, सूत्र टर्मिनल वोल्टता V इक्वल ई माइनस आई आर, बहुत सिंपल सा सूत्र है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं प्रथम सेल के सिरों, प्रथम सेल के सिरों के मध्य, प्रथम सेल के सिरे आप देख सकते हैं कि मध्य जो होगा वो वी ए बी टर्मिनल वोल्टता, यहां से आप देखोगे ई की जगह ई वन धारा इसमें से निकल रही है, माइनस आई और आर वन, समीकरण नंबर एक। इसी प्रकार हम कौन से सेल के लिए लेंगे, द्वितीय सेल के सिरों के मध्य टर्मिनल वोल्टता, जरा देखें द्वितीय सेल के सिरे आपको दिख रहे हैं, एक सिरा बी है एक सिरा सी है, बिल्कुल सही है, समझ में आ रहा है। सेल के सिरे, ये जो सिरे होते हैं इस प्रकार से ये हो जाएगा इसके लिए। इसी प्रकार E2 माइनस धारा इसमें से क्या निकल रही है, I और ये R2, समीकरण नंबर द्वितीय। अब तुल्य सेल, इन दोनों का जो टोटल सेल है, हमने इन दोनों को कंबाइन करके ये सेल माना, मतलब आप समझ लीजिए इन दोनों को ये यहाँ पे इसकी जगह मान लीजिए। तुल्य सेल जो श्रेणी क्रम में, जो तुल्य हो रहा है ना श्रेणी क्रम का, श्रेणी क्रम में तुल्य सेल के मध्य, तुल्य सेल के सिरों के मध्य, सिरों के मध्य। अब देखिए तुल्य सेल के सिरे कौन कौन से हैं, पहले सेल के सिरे ए बी, दूसरे का बी सी, तुल्य का क्या हो जाएगा ए सी, तो वी ए सी इक्वल टू, आप ये मान लीजिए दोनों नहीं है इसकी जगह ये है, तो क्या लिखेंगे, ई की जगह ई इक्वल है, धारा इसमें से वही गुजरेगी, श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है, आई आर इक्वल है, समीकरण नंबर तीन। चूंकि टर्मिनल वोल्टता यहाँ पे ए व सी सिरों के मध्य टर्मिनल वोल्टता का मान ए और बी तथा बी और सी के योग के तुल्य होगा, तो टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता के गुणधर्म से, प्रॉपर्टी से आप देख सकते हैं वी ए सी परिपथ के लिए, परिपथ हेतु जो आपको दिखाया गया परिपथ उसके लिए बात करेंगे, वी ए सी ए से सी के मध्य टोटल टर्मिनल वोल्टता, ए और बी के मध्य टर्मिनल वोल्टता, और बी और सी के मध्य टर्मिनल वोल्टता के योग के तुल्य होगी। अब आप क्या करेंगे, समीकरण एक दो तीन से मान रखने पर इसका मान पुट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, बताइए इसकी जगह क्या आएगा, बोलते रहे साथ साथ आप, जैसे E इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट, E वन माइनस आई आर वन प्लस बी सी का मान E टू माइनस आई आर टू, इसको थोड़ा अरेंज कर ले, E का टर्म माइनस आई आर इक्विवेलेंट, पहले E के टर्म लिखे E1 प्लस E2 को पास पास लिख दिया, इस टर्म और इस टर्म में से I कॉमन आ रहा है माइनस, अंदर बचेगा R1 प्लस R2, इसको समीकरण नंबर चार दे दीजिए। समीकरण चार के दोनों पक्षों की तुलना, के दोनों पक्षों की तुलना करने पर, कंपेयर बोथ साइड,
अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से बहुत स्पष्ट हो रहा है E इक्वलेंट इक्वल टू, देखिए ये वाला पार्ट इसके बराबर, माइनस की जगह माइनस, आई की जगह है, E1 प्लस E2 अर्थात श्रेणी क्रम में तुल्य विभाग का मान सभी सेलों के विभागों के योग के तुल्य होता है। ये श्रेणी क्रम में हमने क्या निकाल लिया, तुल्य विद्युत वाहक बल। पुनः आप अगर तुलना करोगे तो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध भी आपको यहां से दिख जाएगा, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध दोनों प्रतिरोधों के बीज गणितीय योग के तुल्य होता है, ये हमें पता है, ये R इक्विवेलेंट हो गया। अंत में आप क्या निकालेंगे, इसमें अंत में धारा, धारा का सूत्र जो है नेट धारा जो होती है उसका सूत्र I नेट बराबर I E इक्विवेलेंट अपॉन R प्लस R इक्विवेलेंट, ये हमारा सूत्र है कुल धारा का, I इक्वल्स टू E इक्विवेलेंट तुल्य विद्युत वाहक बल, R प्लस R इक्विवेलेंट, R बाह्य प्रतिरोध और R इक्विवेलेंट इन दोनों का तुल्य। तो यहाँ से आप ये मान रख देंगे E1 प्लस E2 इसकी जगह आएगा डिवाइड बाई R प्लस R1 प्लस R2। इस प्रकार हमने ये धारा ज्ञात कर ली, इसे हम समीकरण नंबर 7 देंगे। धन्यवाद।